हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम कंप्लीट शेडिंग के बारे में बात करेंगे। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। गाइस, अभी तो मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहा हूँ आईज को शेड करने के लिए, जिसका ग्रेड है HB। अभी का इसमें 2B पेंसिल यूज कर रहा हूँ और डार्क टोन्स ऑप्ट करने के लिए आईज में। गाइज, आपको अपनी रेफरेंस फोटोग्राफ में लाइट टोन्स एज वेल एज डार्क टोन्स ऑब्जर्व करने होते हैं और उसके हिसाब से आपको शेड करना होता है। जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना ही रियलिस्टिक आप ड्रॉ कर पाओगे। गाइज, अभी मैं पेपर स्टफ का यूज़ कर रहा हूँ सो दैट हमारी लाइट टोन्स एज वेल एज डार्क टोन्स ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑप्ट हो पाए आईज में। गाइस, जहाँ जहाँ पर शेडोज़ आ रही हैं और डार्कर वैल्यूज़ है वहाँ पर मैं अपनी रेफरेंस फ़ोटो को ऑब्ज़र्व करके उस हिसाब से शेड कर रहा हूँ। गाइस, अगर आप लाइट टू डार्क शेडिंग करोगे तो आप मेरे तरह रियलिस्टिक ड्रॉ कर पाओगे। और अभी मैं कुछ हाइलाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ जो कि आईज के आसपास है। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया, मैं ब्लेंड करने के लिए पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ सो दैट हमारे लाइट और डार्कर टोन्स जो हैं वो मिक्सअप हो सकें अच्छी तरह से। गाइस, शेडिंग करते समय एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारी जो पेंसिल की जो टिप है वो हमेशा शार्प। गाइस, अभी मैं लार्ज एरियाज को ब्लेंड करने के लिए थोड़ी बड़ी पेपर स्टम्प यूज कर रहा हूँ। या फिर गाइस, आप लार्ज एरियाज को शेड करने के लिए टिश्यू पेपर या फिर ब्रशेस का यूज कर सकते हैं। गाइस, मैंने हाइलाइट्स के लिए आईज में जगह छोड़ दी है सो दैट मुझे वहाँ पर हाइलाइट्स क्रिएट ना करने पड़े और जो हाइलाइट्स हैं वो ज़्यादा उभर कर आए।
गाइज यहाँ पर भी मैं 2E पेंसिल का ही यूज कर रहा हूँ थोड़ी सी और डार्क एरियाज को ऑफ करने के लिए। गाइज आप लार्ज एरियाज को शेड करने के लिए हैचिंग कर सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, और आपकी हैचिंग भी एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए सो दैट गाइज हमें ब्लेंड करते हुए किसी भी तरह के स्पॉट्स ऑब्जर्व ना हो। गाइज हमें हर बार नए एरियाज को शेड करने से पहले एक बार पेपर स्टंप्स को साफ कर लेना चाहिए टिश्यू पेपर से या कोई भी क्लोथ से। जो नोज़ के आसपास डार्कर एरिया है गाइस उसको मैं HB पेंसिल से ही ऑप्ट कर रहा हूँ, और गाइस इसी एरिया को हम और अच्छी तरीके से दिखाने के लिए हम फिर से ब्लेंड करेंगे पेपर स्टंप से। गाइज जितना ज़्यादा आप अपनी रेफरेंस फ़ोटो को ऑब्जर्व करोगे और उसमें से डार्कर वैल्यूज़ को देखोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका स्केच रियलिस्टिक लगेगा। गाइज अगर आप लेयर बाय लेयर शेडिंग करोगे तो आप ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रॉ कर पाओगे
और डार्कर टोन्स और लाइटर टोन्स भी ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखेंगे। गाइज, स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए दो चीज़ें हमेशा मैटर करती हैं और वो है आपकी ब्लेंडिंग एज वेल एज जो पेपर का मटेरियल है, वेदर इट इज़ सॉफ्ट, हार्ड और मीडियम। गाइज, अगर आपको फोरहेड की लाइंस रियलिस्टिक चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइंस ड्रॉ करनी है और उनको सिंपली ब्लेंड कर देना है अच्छी तरीके से, ये ध्यान रखते हुए कि उनमें डार्कर एरियाज एज वेल एज लाइटर एरियाज कहाँ कहाँ है। गाइज, आइज़ के आसपास डार्कर वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के लिए मैं फिर से यहाँ पर HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और उनको मैं आगे ब्लेंड भी कर दूँगा।
गाइज मैं डार्कर एरियाज को शेड करने के लिए अभी मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और गाइज इसी मैकेनिकल पेंसिल से मैं डिटेल वाले एरियाज भी ड्रॉ करूँगा। गाइज हमें ईयर्स कभी भी एग्जैक्टली ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं हमेशा एक एस्टिमेट लेकर चलता हूँ, वैसे भी आपको ही एक एस्टिमेट लेकर चलना है किस तरीके से लाइट्स फॉल कर रही है ईयर्स में, वो देखकर आपको शेड करना है। गाइज पहले हमें लाइटर एरियाज को शेड करना है, उसके बाद हम शेडोज एज वेल एज डार्कर एरियाज की तरफ जाएंगे। गाइज अभी मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ डार्कर वैल्यूज को ऑप्ट करने के लिए, और उसी को मैं ब्लेंड भी कर रहा हूँ। गाइज जितनी भी एक्सेस लाइंस बाहर निकल जाती है उनको मैं फाइन इरेजर से इरेज कर देता हूँ, सो दैट गाइज हमारी जो पिक्चर है वो ज़्यादा अच्छी है। गाइस ब्लेंडिंग आपको आराम से करना है, इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, जितना पेशेंस लगाकर आप ब्लेंडिंग करोगे उतना ही ज़्यादा आपका पोर्ट्रेट रियलिस्टिक लगेगा, और जितनी ज़्यादा आप डार्कर एज वेल एज लाइटर वैल्यूज़ को ऐड करोगे ड्यूरिंग शेडिंग उतना ही ज़्यादा अच्छा पोर्ट्रेट बनेगा आपका। गाइस मैं माउथ का इंटीरियर पार्ट पूरा ब्लैक कर चुका हूँ, और पोर्ट्रेट में भी ये इंटीरियर पार्ट जो है ब्लैक ही दिखाया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया। गाइस आपको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन की लाइंस ऐड करनी होगी नेक को शेड करते ड्यूरिंग, सो दैट जो नेक है और उसके जो डार्कर एरियाज है वो ईजिली डिफरेंशिएट हो सके। गाइज यहाँ पर मैं टीथ में HP पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और उसी को मैंने ब्लेंड भी कर दिया, और फिर कुछ हाइलाइट्स क्रिएट कर रहा हूँ जो कि पोर्ट्रेट में दिखाए गए हैं। गाइज यहाँ पर मैं डायरेक्टली 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एरिया कंपैरेटिवली थोड़ा डार्क है। गाइज हेयर ज़्यादा अच्छी तरीके से विजिबल हो उसके लिए हमें ये करना है कि जिस डायरेक्शन में हेयर्स हैं उसी डायरेक्शन में हमें उनको ड्रॉ करना है। गाइज हेयर ड्रॉ करने के लिए मैं हमेशा मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि हेयर्स ड्रॉ करने के लिए हमें शार्प पेंसिल यूज़ करनी होती है, और मैकेनिकल पेंसिल को शार्प करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए थोड़ा ईजी होता है मुझे हेयर्स ड्रॉ करने में। गाइज हमें ये ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में हमने हेयर्स ड्रॉ किए हैं उसी डायरेक्शन में हमें ब्लेंड भी करना होगा। गाइज मैं उन्हीं हेयर पर फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, और उन्हीं हेयर्स को फिर से ब्लेंड भी करूँगा, सो दैट हमारी जो डेंसिटी है हेयर्स की वो ज़्यादा दिखे और थोड़ा रियलिस्टिक लगे हेयर्स अपने।
गाइज यहाँ पर भी मैंने डार्कर एरियाज शेड कर लिए हैं जो कि पोर्ट्रेट में दिखाए हुए थे, सो दैट उस पार्ट को भी मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं है और स्किप कर दिया है। ये तो आप खुद भी पोर्ट्रेट को ऑब्जर्व करके कर सकते हो। गाइज हमारा पोर्ट्रेट और ज़्यादा अच्छा लगे इसलिए मैंने इसके एजेस पर टेप अप्लाई कर दी है। गाइज जिस डायरेक्शन में हमें हेयर्स दिखा रखे हैं उसी डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक्स भी लगाने हैं। गाइज मैंने आईब्रोज ड्रॉ कर ली हैं और इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है और आप उसे चेकआउट कर लेना। गाइज पिक्चर को ऑब्जर्व करते हुए हमें ये देखना है कि किस डायरेक्शन में हेयर जा रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से हमें स्ट्रोक्स लगाने हैं। गाइज मैंने मुस्टैचेस वाले पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, अदरवाइज मुझे इसको ड्रॉ करने में पूरे 15 मिनट लगे। गाइज जो एक्स्ट्रा हेयर्स वगैरह हैं वो आपको देखकर ड्रॉ करने पड़ेंगे आराम से, सो दैट हमारे पोर्ट्रेट में रियलिस्टिक वाला लुक आ सके। गाइज अभी मैं एक्स्ट्रा हेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पोर्ट्रेट में जिससे कि रियलिस्टिक लुक आता है। गाइज हमें हेयर्स के हाइलाइट्स ड्रॉ करते हुए प्रेशर का ध्यान रखना है, हमें कम से कम प्रेशर लगाना है जितना हमसे हो सके, सो दैट हमारी जो हाइलाइट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बन पाए। गाइस जितनी ज़्यादा पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करोगे ऑब्जर्व करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्केचिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी। गाइस हमें सबसे पहले हेयर्स ड्रॉ करने होंगे और उसके बाद हमें ब्लेंड करना होगा उन हेयर्स को, आफ्टर देन हमें फिर से उन हेयर्स को रीड्रॉ करना होगा, उसके बाद फिर से हमें ब्लेंड करना होगा, फाइनली फिर हम उन हेयर्स में हाइलाइट्स क्रिएट करेंगे जिससे कि डेप्थ भी आएगी एज वेल एज हाइलाइट्स भी दिखेंगे। गाइस जो मैंने हेयर्स ड्रॉ किए थे उन्हीं पर मैं फिर से हेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ और उनको अभी फिर से मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, अब हम इनके अंदर हाइलाइट्स क्रिएट करेंगे।
गाइज, अब मैं सिंपली जहाँ पर डार्क एरियाज है वहाँ पर मैं फुल्ली डार्क शेड करूँगा और फिर हम हेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। गाइज, मैंने एक साइड तो कंप्लीट कर ली है, इसी तरह हम दूसरी साइड भी कंप्लीट करेंगे। गाइज, मैं अभी हेयर्स ड्रॉ करने के लिए मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ 0.5 की, और आप भी यूज़ कर सकते हैं सो दैट आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। बस गाइज, आपको इसी तरह स्ट्रोक्स बनाते रहने हैं, जिस डायरेक्शन में हेयर्स हैं उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स लगाने और उनको ब्लेंड कर देना है। गाइज, अगर आपके पास ज़ीरो इरेजर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप हाइलाइट्स के लिए जगह भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। इसलिए मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि ज़ीरो इरेजर से ही हाइलाइट्स क्रिएट करो, वो टाइम बचा लेता है थोड़ा। अब मैं इन हेयर्स को ब्लेंड करूँगा गाइज अच्छी तरीके से। गाइज, अब मैं इनको डेप्थ देने के लिए फिर से इनके ऊपर हेयर रीड्रॉ कर रहा हूँ।
अब हम गाइस इनको फिर से ब्लेंड कर लेते हैं अच्छी तरीके से। गाइज अब हम फोटोग्राफ से ऑब्जर्व करके हेयर्स में हाइलाइट्स ड्रॉ करेंगे। गाइज हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम एक्सेस में हाइलाइट्स ना ड्रॉ करें, इससे हमारा पोर्ट्रेट खराब हो सकता है। सो गाइज जितनी भी हाइलाइट्स थे हेयर्स में मैं सब ड्रॉ कर चुका हूँ और अब हम बैकग्राउंड को शेड करेंगे। गाइज अब हम कंप्लीट बैकग्राउंड शेड कर लेते हैं इसका। सो गाइज मैं इसका कंप्लीट बैकग्राउंड शेड कर चुका हूँ। सो गाइज हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।